नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनिंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीच पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी का खैर मकदम करती हूं मैं। सुबह अखबार उठाते हैं, टीवी खोलते हैं, कहीं ना कहीं ईडी की कार्रवाई आपको चलती हुई मिलेगी। बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक देश में कई जगह ईडी की कार्रवाई चल रही है। ताजा मामला शिवसेना नेता संजय राउत का है, जिन पर पात्रा चौल घोटाले में ईडी की कार्रवाई चल रही है इस समय, इस मामले को लेकर के। वहीं बंगाल के बर्खास्त मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी मित्र अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार किया है और स्कूल भर्ती घोटाला मामले में पूछताछ की जा रही है। विपक्षी दल कांग्रेस नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ चल रही है। हालांकि काफी विरोध हो रहा है, कांग्रेस काफी विरोध कर रही है, लेकिन कार्रवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग का कानून मनी लॉन्ड्रिंग के जो कानून है उसमें ईडी की सभी अधिकारों को बरकरार रखा हुआ है। तो ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर क्या है प्रवर्तन निदेशालय, इसका इतिहास क्या है, ये कैसे काम करता है और इसके पास क्या-क्या अधिकार है। ईडी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में आने वाली संस्था है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है, साथ ही देश के अलग-अलग शहरों में इसके जोनल ऑफिसेस हैं। ईडी में भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी तैनात किए जाते हैं, क्योंकि इसमें कानून की बात भी होती है, इसलिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी तैनात किए जाते हैं। इसमें इन्वेस्टिगेशन होती है पुलिस के तरीके से, इसलिए भारतीय सेवा पुलिस सेवा के लोग भी इसमें तैनात किए जाते हैं। देश जब ब्रिटिश शासन से आजाद हुआ तब 1947 में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट बना था। इसे वित्त मंत्रालय का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर देखता था और 1956 में प्रवर्तन इकाई बनी और इसी में इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट बना। 1997 में इसका नाम बदल करके डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट एंड एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट रखा गया, जिसे ईडी कहते हैं, और 1960 में इसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया गया। तब से ये उसी में काम कर रहा है। 1973 में 1947 के फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट में संशोधन हुआ और नया एक्ट आ गया। 90 के दशक में देश की अर्थव्यवस्था ऊपर गई, काफी मात्रा में फॉरेन एक्सचेंज आया, तब रेगुलेशन के बजाय मैनेजमेंट की जरूरत पड़ी, तब एक्ट को बदल करके फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1991 कर दिया गया। यानी कि टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इसमें बदलाव करते रहे, सरकारें इसमें बदलाव करती रही। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जब बना तो सरकार ने तय किया कि इसका इन्फोर्समेंट ईडी करेगी। इसमें काफी लोग बाहर से तैनात किए जाते हैं, काफी लोग डेपुटेशन पर आते हैं। 2018 में जब सरकार ने देखा कि आर्थिक अपराधी काफी संख्या में देश से बाहर भाग रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं, तो फ्यूजिटिव ऑफेंडर एक्ट लाया गया, इसे भी ईडी के अंतर्गत रखा गया। इन कानूनों के अंतर्गत जो है मुख्य तौर पे विदेशी मुद्रण प्रबंधन अधिनियम, धन शोधन निवारण अधिनियम, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम और फेमा के अंतर्गत ईडी फॉरेन एक्सचेंज में वायलेशन में जांच करता है। पीएमएलए को मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के या इससे इस मामले में शामिल अवैध संपत्ति को जब्त करने के लिए बनाया गया। एफईओए को आर्थिक अपराधियों को भारत से भागने से रोकने के लिए बनाया गया। अच्छा, ईडी के बहुत सारे अधिकार हैं, इतने अधिकार हैं कि आम लोगों को इसके बारे में जानकारी भी नहीं है।
सीबीआई केंद्र, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिलने पर सीबीआई जांच करती है। इसके अलावा राज्य के मामले में राज्य सरकार की अनुमति जरूरी होती है। लेकिन ईडी के मामले में ऐसा नहीं है। किसी थाने में 1 करोड़ या उससे ज़्यादा की हेराफेरी का मामला दर्ज होने पर पुलिस ईडी को इसकी जानकारी देती है। इसके बाद ईडी थाने से एफआईआर या चार्जशीट की कॉपी लेकर के जांच शुरू कर सकती है। ईडी को अगर पुलिस पहले मामले की जान ईडी को अगर पुलिस से पहले मामले की जानकारी लग जाती है तो उसी समय वो जांच शुरू कर देती है। अक्सर बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जब पुलिस किसी को कानो कान खबर भी नहीं होने देती कि क्या हो रहा है, कितना बड़ा मामला है। लेकिन अगर इसकी खबर ईडी को लग जाए तो वो इस पूरे मामले की जानकारी लगा लेती है और अपना काम शुरू कर देती है। ईडी फेमा उल्लंघन, हवाला लेन देन, फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन, विदेश में किसी भी संपत्ति पर कार्रवाई और निवेश में संपत्ति की खरीद के मामलों में जांच करती है। एजेंसी के पास मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों के खिलाफ जब्ती और गिरफ्तारी के अधिकार हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि एजेंसी के पास मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों के खिलाफ जब्ती और गिरफ्तारी के अधिकार हैं। ईडी वित्तीय रूप से किए गए गैर कानूनी कामों में कार्रवाई का अधिकार रखती है। पीएमएलए के तहत ईडी को संपत्ति जब्त करने, छापा मारने और गिरफ्तारी का अधिकार मिला हुआ है। ईडी की ताकत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि एजेंसी में पूछताछ के बिना संपत्ति जब्त भी हो सकती है और ईडी के समय गिरफ्तारी के समय ईडी कारण बता भी नहीं सकती और नहीं भी बता सकती। इसके लिए एक जांच अधिकारी के सामने ही दिया गया बयान कोर्ट में सबूत माना जाता है। ईडी की गिरफ्तारी में जमानत मिलना मुश्किल हो जाता है। फेमा और पीएमएलए मामलों में ईडी 3 साल तक आरोपी की जमानत रोक सकती है। ईडी भगोड़े अपराधियों की संपत्ति कुर्क कर सकती है और केंद्र सरकार से अटैच कर सकती है। भगोड़े के प्रत्यर्पण में कठिनाई को देखते हुए उसकी पूरी संपत्ति को अटैच करने का अधिकार ईडी को दिया गया है। ईडी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की बड़ी आर्थिक धोखाधड़ी के मामले भी देखती है। अगर किसी ने भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा अपने पास रखी है या विदेशी मुद्रा का अवैध व्यापार किया है तो इसकी जांच भी ईडी करती है। ईडी के पूर्व निदेशक कर्नल सिंह के अगर बात को माने तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में 3 शेड्यूल हैं। इन्हें शेड्यूल ए, बी और सी बोला जाता है। इसमें 30 एक्ट हैं, मतलब इन तीनों शेड्यूल में 30 एक्ट शामिल हैं, जिनमें से 160 सेक्शन है, जिनके मतलब आगे 160 सेगमेंट है उनके, और इन्हें शेड्यूल ऑफिसेस या रेडिकेट ऑफिस ऑफेंसेस कहा जाता है। शेड्यूल ऑफेंसेस या प्रेडिकेट ऑफेंसेस कहा जाता है। जब इन शेड्यूल ऑफेंस के ऊपर पुलिस, सीबीआई, एनआईए, इनकम टैक्स विभाग, कस्टम विभाग आदि में जांच शुरू होती है तो बाद में इसे ईडी देखती है। लोग जब गैर कानूनी तरीके से कमाए धन को सफेद करने की कोशिश करने लगते हैं, उसे वैध बनाने की कोशिश करते हैं, तब इस प्रक्रिया को मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। ईडी ये देखती है कि आरोपी ने धन को कैसे बदला। इसे जांचने के बाद संपत्ति को अटैच किया जाता है। अटैचमेंट ठीक पाए जाने पर ईडी की जांच आगे बढ़ जाती है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 7 से 10 साल तक की कैद और जुर्माना दोनों होता है। तो आप देखिए, बंगाल में इस समय पार्थ चटर्जी फंसे हुए हैं। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो कल ही संजय राउत को भी अपनी गिरफ्त में लिया है ईडी ने। हालांकि वो कह रहे हैं कि मैं सच हूं और मैंने बाला साहेब ठाकरे की वो कसम खा रहे हैं कि वो कहीं गलती पर नहीं है। फिर भी ईडी ने उन पर शिकंजा कसा हुआ है। कई जगहों पर छापेमारियां चल रही हैं। तो मैंने आपको ये इसलिए बताने की कोशिश की कि रोज़ हम देखते हैं कि टीवी में चल रहा है, खबरें देख रहे हैं, ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, तो ईडी के अधिकार क्या है, ईडी क्या क्या कर सकता है,
और किस तरीके के लोग उसमें होते हैं, ये सब मैंने आपको जानकारी दी। दोस्तों, आपको ये कंटेंट कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ कि आपकी जानकारी में कुछ इजाफा करने में मैं सफल रही होंगी। अगर ऐसा है तो आप इस पे अपनी राय जरूर दीजिएगा। पहली बार अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।